नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सदर विधानसभा से ओम प्रकाश तिवारी ने पर्चा दाखिल किया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया जो कांग्रेस भवन बलिया में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे अपने प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा भरवाने का काम कर रहे थे। सबसे संघर्ष की सीट है तो सदर विधानसभा बलिया सदर से टिकट ओम प्रकाश तिवारी पार्टी में कामयाब रहे। आज अपने दलबल के साथ चार सीटों में पर्चा दाखिल किया। वह फेफना विधानसभा फेफना से पर्चा जैनेन्द्र पांडे ने दाखिल किया। अब पूरा सातों विधानसभा पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि आप किस तरह से और क्या मुद्दा आपका होगा चुनाव जीतने का, वही जब जिला अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस के बाद आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की देन है। आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश की जुबानी। पार्टी की प्रतिज्ञाओं का जो लिस्ट है, सूची है, उसको जारी की है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बसों महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे, 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और जितने भी जो अन्नदाता हैं उनका समर्थन मूल्य 2500 रुपया करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। पांडे जी, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो को लेकर आई, कोई स्कूटी दे रही है, कोई लैपटॉप दे रहा है, आप किसानों को माफ़ कर रहा है, तो ये लोग लुभावने वादे नेताओं के जनता कैसे विश्वास करे? जनता पहले कांग्रेस को समझा, फिर सपा को समझा, फिर भाजपा को समझा, जनता से तो हमेशा छल हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है? 30 सालों से 32 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और तीनों पार्टियों के जिस जिसका नाम रखे हैं इनको 3-3 बार मौका मिला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को केवल पिछड़ापन, बदहाली और खस्ता हाल दिया है। हमने चीनी मिल बनाया, हमने नहरों का जाल बिछाया, हमने उद्योग लगाए, हमने ये सर, आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आज तक कितने लोगों को पर्चा दाखिल हो गया जनपद में? हमारे 7 विधानसभा की बलिया जनपद में सीट है, जिसमें से 5 विधानसभाओं का नामिनेशन हमारे प्रत्याशी द्वारा, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा किया जा चुका है। आज 2 नामिनेशन है, जिसमें हमारी शहर की प्रमुख सीट नगर विधानसभा 361 और 360 फेफना विधानसभा का नामिनेशन हुआ है। कौन कौन लोग, क्या नाम है यार? ओम प्रकाश तिवारी जी और जैनेन्द्र पांडे मिंटू जी। सर, एक चीज़ है, आज इतनी बड़ी कांग्रेस की जो स्थिति जनता के नज़र में आज घुट गई, आज ऐसी स्थिति में किस तरह से अपने सातों प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे? ऐसा है, देखिए, जब से माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रभार लिया है तब से तमाम हमारे संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हमारे न्याय पंचायत बनाए गए, ग्राम पंचायत बनाए गए और मुकम्मल हम चुनाव के लिए तैयार हैं और उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। एकाधो सीटें हैं जहां हमने वाका ओवर किया है और बाकी हम संघर्ष के दम पर लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी दलों द्वारा जो भी उत्पीड़न हुआ 32 सालों में, जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगातार प्रियंका जी के आने के बाद सड़कों पर जनता के सवालों पर हमने संघर्ष किया है, हमने लाठी खाई है, हम जेल गए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे 1800 कार्यकर्ता जेल गए और आज मुकम्मल कांग्रेस जो है महिलाओं के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, सड़क सुरक्षा चिकित्सा के सवाल पे कटिबद्ध है और संघर्ष है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है पूरा जंगल राज कायम है, इनकी हवा निकल गई है, इनका तेल निकल गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तरफ, प्रियंका गांधी के तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है कि हमको नेता मिला है प्रियंका गांधी के रूप में और उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले जिस दिन चुनाव है और जिसका परिणाम आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? चुनाव में सबसे भारी मुद्दा है, आप देखिए, महिलाओं का, किसानों का, महिलाओं से कैसे उत्पीड़ित लोग हैं, जो महिलाएं सुबह को घर को निकलती हैं, शाम को घर सुरक्षित पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी इस सरकार में गारंटी नहीं है। नौजवानों के जो वायदे करके ये सरकार गई कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उनके हाथों को काम नहीं है। किसानों को जो व्यवस्था है वो नहीं है। जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जो भी कल कारखाने लगाए, चीनी मिल, कटाई मिल, नहर का जाल, दूरदर्शन केंद्र, तो रेलवे, उसकी सुरक्षा ये नहीं कर पा रही है, पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, कि पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली प्रदेश और देश की सरकार है। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रत्याशी नगर विधानसभा बलिया। आज बलिया विधानसभा से आप पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं जी, क्या आपका मुद्दा होगा चुनाव मैदान में? देखिए, मुद्दा तो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया आपको, और जिस शहर का मुख्य मुद्दा है, पानी की समस्या है, पानी जाम लगता है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने जनप्रतिनिधि इसके पहले हुए हैं, विक्रमादित्य पांडे जी के बाद और बीच के जितने जनप्रतिनिधि हैं, शहर को लूटने का काम किया है और उस लूट को मैं बंद कराने का काम करूँगा और शहर को स्वच्छ
और सुंदर बनवाने का काम करूंगा। नगर पालिका हमारे क्षेत्र में आता है, नगर विधानसभा में। और इसके बाद जो किसानों की समस्या है, आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आज भी खेत परती पड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस के लिए हम बलिया जाना जाता है, किसी प्रधान या देश है। और खेती होगी ही नहीं तो फिर किसान खाएगा क्या? हम किसान परिवार से आते हैं और उनकी पीड़ा हमको मैं जानता हूँ। और निश्चित रूप से मैं इसको पहल करा करके इस काम को समाप्त करने का काम करूंगा और किसानों को उचित लाभकारी दाम दिलाने का काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। बाकी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, एक नेता जो सरकार में दो बार मंत्री रहा और 4 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, तो कह रहा है कि हम ट्रामा सेंटर खुलवाए हैं। ट्रामा सेंटर की मापदंड क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रामा सेंटर का मतलब होता है कि सड़क से 2 किलोमीटर के अंदर और कम से कम उसके पास 7,000 वर्ग मीटर की भूमि हो, सुपर लाइन होस्ट है। और सारी पूरी शहर की दशा आप देख रहे हैं, कहीं भी जाने लायक नहीं है। आज भी काजीपुरा में पानी लगा हुआ, सुपर लाइन होस्ट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी ने इस देश में और इस प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देकर ये बताने का काम किया है। मैं आधी आबादी के साथ खड़ा हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी आधी आबादी के साथ खड़ी है। भविष्य में आप देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रही है, कोई बुलाई गई भीड़ नहीं। सर एक चीज़ है, अंतिम सवाल आपसे आज आपको चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आपको जनता आप पे अगर विश्वास करती है, नगर विधानसभा बढ़िया, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी लूट बलिया में बंद कराना। जो बलिया में लूट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है, सीवरेज के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला हुआ है।